जय चंडी माँ माँ चेल वाले की जय। माँ चंडी माता सर्वशक्ति सेवक संस्था जम्मू कश्मीर पंजीकृत की ओर से मैं प्रधान मंडल पाडर संस्था समस्त जनता की सेवा में निवेदन करता हूँ कि संस्था के नाम से कोई भी व्यक्ति धन या वस्तु इकट्ठा नहीं कर सकता है। यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति संस्था की इजाज़त के बगैर अगर आपके पास आता है तो आप तुरंत संस्था को सूचित करना कि मैं अपील करता हूँ। और सभी यात्रियों से और यहाँ की जनता से ये अपील रहेगी कि किसी भी आदमी को धन इकट्ठा करने की संस्था की तरफ से इजाज़त नहीं है। कुछ यहाँ पे इमरजेंसी में लंगर की व्यवस्था की गई थी जो यहाँ के हमारे मंडल के सभी सदस्य हैं उन्होंने अपने ही जेब से लंगर के जो खर्चा किया है वो किया हुआ है। वो सिर्फ यहाँ के जो पार्टर मंडल है मंडल के जो सदस्यगण हैं उनने अपने तरीके से इमरजेंसी लंगर जो है लगाया हुआ है। तो उसमें बाकी किसी भी यात्रियों से निवेदन है कि वो किसी को अपना जेब से पैसा नहीं दें। आज सर्वशक्ति सेवक संस्था पार्टर मचेल के माध्यम से आपके पाडर मचेल पाडर चैनल के माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि पाडर किश्तवाड़ रोड बंद रहने की वजह से हम अपील करते हैं कि यात्रा में आने वाले वृद्ध जो आयु के लोग हैं बच्चे हैं या बीमार लोग हैं वो फिलहाल अपनी यात्रा जो है स्थगित करें क्योंकि रोड खराब है और यात्रियों को 1 किलोमीटर पैदल ऊपर से चलना पड़ता है जिसके बिना पे उनको वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आने की संभावना है। इसलिए वृद्ध लोगों से बीमार लोगों से अपील है कि वो यात्रा फिलहाल स्थगित करें। सरकार इस पे कोशिश कर रही है कि यात्रा को जल्दी बहाल करें। हमारी संस्था जो है पूरी जम्मू कश्मीर संस्था पाडर की जो मंडल कमेटी है सरकार के साथ अपना तालमेल बनाए हुए हैं। जैसे ही रोड खुलेगा और तभी उसके बाद सभी यात्रियों को सूचित किया जाएगा कि वो यात्रा अपनी आरंभ करें। धन्यवाद। मैं ठाकुर चमेल सिंह सनातन धर्म सभा अध्यक्ष पाडर 30 जून को जो किश्तवाड़ पाडर सड़क पहाड़ टूटने से बंद हुई है इस दौरान पाडर मचेल और गुलाबगढ़ में 1000 से ज़्यादा लोग यात्री जो हैं वो फंसे हुए थे जो यहाँ बेचारे दर बेदर थे। मैं जो यहाँ मचेल सर्वशक्ति सेवक संस्था मंडल पाडर के मंडल पाडर ने जो यहाँ लंगर की व्यवस्था की उन यात्रियों के देखभाल की मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इन फंसे हुए यात्रियों को अपने जेब से खर्चा करके इनको सुविधा दी।